नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार चौधरी। आज का जो अपना चैप्टर रहेगा या लेक्चर रहेगा वो रहेगा ट्रेसेस के ऊपर। ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट चल रहा है 301 स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है, उसमें चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, फ्रेम्स। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेस को समझने से पहले समझिए कि फ्रेम्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, देखिए अगर मैं ट्रेस की डेफिनेशन पढ़ूँ तो ट्रस इज ए स्ट्रक्चर कम्पोज ऑफ सिलेंडर मेम्बर जॉइन टूगेदर एट दियर एंड्स एंड पॉइंट्स। प्लेनर ट्रसेज इन अ सिंगल प्लेन, टिपिकल ट्रस इज ए जॉइंट फ्रेम्ड। ठीक है, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, बेसिकली तो सबसे पहले देखिए फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, थ्री और मोर देन थ्री मेम्बर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो फ्रेम्स होते हैं वो दो प्रकार से अपन डिफाइन कर सकते हैं। एक तो क्या पिन जॉइंटेड फ्रेम, ठीक है, जो कि ट्रस से मिलके बना होता है अपने पास में, और एक होता है रिजिड जॉइंटेड फ्रेम जो कॉलम और बीम से मिलके बना होता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया फ्रेम्स का। तो फ्रेम्स दो प्रकार के हो गए, पिन जॉइंटेड एंड रिजिड जॉइंटेड। उसके बाद में अगर आप फर्दर क्लासिफिकेशन करोगे तो 2D एंड 3D भी कह सकते हो। 2D मतलब केवल एक प्लेन स्ट्रक्चर और 3D मतलब एक स्पेस स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे आप लोगों ने इंडिटरमिनेसी पढ़ा था तो उसमें आप 2D की बात कर रहे थे, 3D की बात कर रहे थे, वैसे ही फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होता है वो भी 2D और 3D तो होगा ही होगा। उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स में आ गया पिन जॉइंटेड और फिक्स जॉइंटेड, या फिर कह सकते हो रिजिड जॉइंटेड। अब इसमें क्या डिफरेंस रहता है, जो पिन जॉइंटेड रहते हैं वो ट्रसेस से मिलके बने होते हैं, और उनके जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट पे जो ट्रसेस कनेक्ट होते हैं वो पिन से कनेक्टेड होते हैं, और उनके बीच का एंगल, दो मेंबर्स हैं उनके बीच का एंगल चेंज हो सकता है। ऑन द अदर हैंड जो फिक्स जॉइंटेड या रिजिड जॉइंटेड होते हैं, ठीक है, वो जो जॉइंटेड होते हैं वो फिक्स जॉइंट होता है वहाँ पे, ठीक है, पिन जॉइंटेड नहीं होता। दूसरी बात, उनके बीच का जो एंगल है वो कभी चेंज नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टार्टिंग में उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है यूजुअली, ठीक है, तो ये 90 डिग्री ही बना रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अगर रिजिड जॉइंटेड में एंगल चेंज हुआ मतलब स्ट्रक्चर फेल, यस और नो, तो ये मान के चलेगा कि जो रिजिड जॉइंटेड होते हैं वो फिक्स जॉइंटेड होते हैं, उनमें एंगल चेंज नहीं होता है, बीम और कॉलम से मिलके बना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई फ्रेम्स की बात में। अब बात आती है अपने पास आते हैं जो ट्रस फ्रेम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं। तो अपने जो सिलेबस है उसमें केवल ट्रस फ्रेम्स दे रखे हैं, और उसके बाद में उनके जो एनालिसिस ऑफ द ट्रस फ्रेम्स है उसमें दो मेथड दे रखे हैं। पहला मेथड है मेथड ऑफ जॉइंट और दूसरा मेथड है मेथड ऑफ सेक्शन। ठीक है, तो आज अपन ये थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि ट्रसेज क्या होते हैं। तो ट्रसेज आर स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ सिलेंडर मेंबर्स जॉइंटेड टुगेदर एट देयर एंड पॉइंट्स। मतलब ये क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इनका, और ये क्या होते हैं, एंड पे पिन जॉइंटेड होते हैं। ठीक है, प्लेनर ट्रसेज लाइज इन ए सिंगल प्लेन। सिंपल सी बात है कि प्लेनर है तो एक प्लेन में लाई करेगा, और 3D तो एक स्पेस में लाई करेगा। टिपिकली अ ट्रस इज अ जॉइंट फ्रेम्ड स्ट्रक्चर विच इज डिजाइन टू सस्टेन इंक्लाइंड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लोड्स ऑक्यूरिंग एट और बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो ट्रस फ्रेम्स होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, केवल लोडिंग सस्टेन होती है, वो लोडिंग केवल जॉइंट्स पे लगती है। ठीक है, और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो सबसे पहले तो स्ट्रेट मेंबर, जो ट्रस फ्रेम्स होते हैं या जो ट्रसेज होते हैं वो हमेशा सिलेंड्रिक होते हैं। सिलेंड्रिक का मतलब होता है कि लेंथ में एक अलोंग द लेंथ उनका जो सेक्शन है वो चेंज नहीं होगा, और वो लेंथ वाइज होते हैं, मतलब होते हैं ना स्ट्रेट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, मेंबर्स कनेक्टेड एट देयर इंटरसेक्शन बाय मीन्स ऑफ फ्रिक्शनलेस पिंस और हिंज। ये दूसरा करेक्टरिस्टिक्स है कि जो ट्रस फ्रेम्स होते हैं उसमें मेंबर्स वो पिन जॉइंटेड होते हैं या हिंज से कनेक्टेड होते हैं, फ्रिक्शनलेस हिंज से। मतलब वहाँ पे केवल मतलब उसका जो रोटेशन होता है, अगर मान लीजिए दो एंगल्स के मेंबर्स के बीच में रोटेशन होगा तो वो उसको रोकेगा नहीं। मेंबर्स आर अरेंज दैट द ट्रस इज लोडेड ओनली एट जॉइंट्स। तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन क्या है या तीसरा करेक्टरिस्टिक्स है कि जो मेंबर्स इस तरह से अरेंज होते हैं ट्रस में कि जो लोडिंग होती है वो केवल जॉइंट्स पे होती है। ठीक है, जो लोडिंग होती है वो ओनली जॉइंट पे होती है। ठीक है, तो ये इसके ट्रस फ्रेम के करेक्टरिस्टिक्स हो गए। चलिए आगे चलते हैं अपन लोग। तो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रसेस है जो आप देख सकते हो। सबसे पहले है
फ्लैट ट्रेस दे रखा है, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए जैसे ट्रेस की किस प्रकार से बना हुआ है, उसके ना उसके बनावट के आधार पे इसको नाम दे दिया। जैसे फ्लैट ट्रेस हो गया, क्वीन पोर्ट ट्रेस हो गया, बोस्ट्रिंग ट्रेस हो गया, लैटिस ट्रेस हो गया, लेंटिकुलर ट्रेस हो गया और किंग पोस्ट ट्रेस हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा इफ एंड बट नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। ये केवल आप देख लीजिए, आपके सिलेबस में तो नहीं है BTR वाले में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि किंग पोस्ट आमतौर पे पूछा जाता है, किंग पोस्ट एंड क्वीन पोस्ट ट्रेस क्या होते हैं। तो ये बनावट के आधार पे डिफरेंशिएट होते हैं, बाकी इसमें ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस उसमें अलग लगेगा, इसमें अलग लगेगा, सिंपल से ट्रेसेस फ्रेम होते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन, ये अपने पास हो गया है। अब बात आती है एनालिसिस ऑफ ट्रस स्ट्रक्चर। तो जो ट्रस स्ट्रक्चर का जो एनालिसिस होता है उसमें दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। अब एनालिसिस का मतलब देखिए, दो चीज़ें होती है, एक तो होता है डिज़ाइन फैक्टर, डिज़ाइन, और एक होता है ट्रस एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब लोडिंग को कंसिडर करके उसमें इंड्यूज स्ट्रेसेस रिएक्शंस को पता करना एनालिसिस होता है, और उन इंड्यूज स्ट्रेसेस और रिएक्शन के आधार पे एक सेक्शन का अपन को डायग्राम देना कि इतने डायमेंशन का एक सेक्शन बनेगा, वो होता है उसका डिज़ाइन, ठीक है। तो डिज़ाइन से पहले अपन को एनालिसिस करना होता है। तो ट्रस स्ट्रक्चर का एनालिसिस अपन क्या करेंगे, रिएक्शंस एंड इंटरनल मेंबर फोर्सेज निकालेंगे, इंटरनल मेंबर फोर्सेस निकालेंगे किसी ट्रस में ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, ठीक है। तो अजम्पशंस फॉर ट्रस डिज़ाइन, टू डिज़ाइन बोथ द मेंबर एंड कनेक्शन ऑफ अ ट्रस द फोर्स इन ईच मेंबर फॉर अ गिवन लोडिंग मस्ट बी डिटरमाइंड। देखिए मैंने क्या कहा, और डिज़ाइन का मतलब हो गया कि आपको डायग्राम देना है उस पर्टिकुलर कह सकते हो कंपोनेंट का कि इसमें इतना लोड जनरेट होगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ द सेक्शन देने से के लिए अपन को उसमें पता होना चाहिए कि उसमें कितना स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है कि डिज़ाइन करने से पहले अपन को मेंबर को या कनेक्शन को डिज़ाइन करने से पहले उसमें इंड्यूस्ड फोर्स का पता होना चाहिए, और इंड्यूस्ड फोर्स का पता करने के लिए एनालिसिस करना पड़ेगा। तो टू इंपॉर्टेंट अजम्पशंस आर मेड इन ट्रस एनालिसिस। अब एनालिसिस के लिए अपने पास दो इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं। जो पहला है, ट्रस मेंबर्स आर कनेक्टेड बाई स्मूथ पिंस। पहला, सबसे पहला देखिए, जो आपके पास एक्चुअल में क्या कह सकते हो, जो फिजिकल वर्ल्ड में होता है, जो रियल वर्ल्ड में आप जो फ्रिक्शन जॉइंट प्रोवाइड करवाते हो, वो होते हैं रिवेट होते हैं या फिर बोल्टेड कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये मान के चलिए वो फ्रिक्शन लेस तो नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन वो फ्रिक्शन लेस नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, अपन को थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट ही प्रोवाइड करेंगे। तो अपन पहला अजम्पशंस तो यही लेके चलते हैं कि ट्रस मेंबर्स आर कनेक्टेड बाई स्मूथ पिंस, पहला भाई पिन जॉइंटेड होते हैं। दूसरा, ऑल लोडिंग इज अप्लाइड एट द जॉइंट जॉइंट्स ऑफ द ट्रस, मतलब जितनी भी प्रकार की लोडिंग होगी वो केवल जॉइंट पे ही होगी, उसके अलावा उसमें कहीं लोडिंग नहीं होगी। तो दो मेन एस्पेक्ट कह सकते हो, मेन इंपॉर्टेंट अजम्पशंस कह सकते हो, पिन जॉइंटेड फ्रिक्शन लेस एंड लोडिंग एट जॉइंट्स, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा इसने एलोबरेट करके बता रखा है, देख लीजिए कि स्ट्रेस प्रोड्यूस इन दीज एलिमेंट्स इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रेसेस, ठीक है। स्ट्रेसेस प्रोड्यूस इन दीज एलिमेंट्स इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रेसेस। द पिन अजम्पशन इज वैलिड फॉर बोल्टेड एंड वेल्टेड कनेक्शन इफ द मेंबर आर कॉन्कोरेंट। कॉन्कोरेंट का मतलब ये हो गया कि अगर एक ही बिंदु से उनका ओरिजिन है मेंबर्स का, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास ये मेंबर है, आपने इसको कनेक्ट कर दिया और ये दूसरा मेंबर आ गया, तो ये एक ही ओरिजिन हो गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं कनेक्शन दे देंगे तो उसको बोलेंगे कनकरंट, ठीक है। तो कनकरंट का मतलब हो गया एक ही बिंदु से, एक ही पॉइंट से इसका ओरिजिन हो रहा है। तो वैलिड होता है अगर कनकरंट है तो बोल्टेड और रिवेटेड दोनों ही, बोल्टेड व वेल्डेड, बोल्टेड व वेल्टेड दोनों ही कनेक्शंस में इसके लिए सही रहता है। हाउएवर सिंस द कनेक्शन डज नॉट However, since the connection does not provide some rigidity, the bending introduced in the member is called secondary stresses. अब देखिए बात ये हो गई कि अगर मान लीजिए वो फ्रिक्शन लेस नहीं है तो वो क्या करेगा, उसके मोमेंट को रजिस्ट करेगा। जैसे ही मोमेंट रजिस्ट होगा, या कह सकते हो जो उसका एंगुलर डिफॉर्मेशन रजिस्ट होगा, तो उसमें क्या होगा, मोमेंट जनरेट होगा, उस मोमेंट को सेकेंडरी स्ट्रेस मानते हैं। तो अगर फोर्स इंड्यूस हो रहा है तो प्राइमरी, ठीक है, फोर्स तो अपना प्राइमरी कंसर्न है ही, और उसके बाद में उस फ्रिक्शन की वजह से, उस मोमेंट को रेजिस्टेंस की वजह से जो मोमेंट जनरेट होगा उसको सेकेंडरी स्ट्रेस मानते हैं। सेकेंडरी स्ट्रेस एनालिसिस इज नॉट कॉमनली परफॉर्म्ड, ठीक
ठीक है। और जो अपने ये अजम्पशन जैसे ही माना कि स्मूथ पिंस है, तो अपन ने ये मान लिया कि जो मोमेंट होगा वो इंट्रोड्यूस होगा ही नहीं, मतलब सेकेंडरी स्टेज इंड्यूस होगा ही नहीं। अब इंड्यूस नहीं होगा तो इसको वो क्या बोलते हैं, एनालिसिस अपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए दो, ठीक है। तो समझ में आ गया भाई, पिन जॉइंटेड क्यों मानते हैं, सेकेंडरी स्टेज स्ट्रेस एनालिसिस को नहीं करने के लिए ये माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में आ रहा है ऑल लोडिंग इज अप्लाइड एट द जॉइंट ऑफ द ट्रस। अब ये भी देखिए, सिंस द वेट ऑफ ईच मेंबर इज स्मॉल कंपेयर टू द मेंबर फोर्स, द मेंबर वेट इज ऑफ्टन नेग्लेक्टेड। अब देखिए, जो लोडिंग होती है उसके अलावा उसमें एक एस्पेक्ट रहता है डेड लोड का। डेड लोड मतलब हो गया सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। आप लोगों ने आरसीसी में पढ़ा भी होगा। तो जो स्टील मेंबर्स होते हैं, या कह सकते हैं जो ट्रस मेंबर्स होते हैं, जो ट्रस वसेज होते हैं, वो आमतौर पे स्टील के बने होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो उनका जो सेल्फ वेट होता है नेग्लेक्टेड मान लिया जाता है एज कम्पेयर टू अप्लाइड फोर्सेज एंड द फोर्सेज इंड्यूज इन द मेंबर्स, ठीक है। हाउएवर व्हेन द मेंबर वेट इज कंसिडर्ड, इट इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द ईच मेंबर। अगर वेट को इन्होंने कंसिडर भी करना है तो ये काम मानेंगे एंड पे इसको एक्ट मानेंगे, पर जबकि वेट होता है वो इसकी सीजी पे एक्ट होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो सीजी पे ना मान के इसको कहाँ मानेंगे, एंड पे। बिकॉज ऑफ दीज टू अजम्पशंस ईच ट्रस इज टू फोर्स मेंबर विथ आइदर अ कंप्रेशन और अ टेंशन एक्साइल फोर्स। अब ये दोनों अजम्पशन की वजह से क्या फ़ायदा होता है, बेसिक जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जो मेंबर फोर्सेज होते हैं वो केवल एक्सियल फोर्सेज होते हैं, चाहे वो कंप्रेशन हो चाहे टेंशन हो। इन जनरली कंप्रेशन मेंबर आर बिगर टू हेल्प विद द इनस्टेबिलिटी ड्यू टू बकलिंग। और जो कंप्रेशन मेंबर्स होते हैं उनमें ये समस्या उत्पन्न होती है बकलिंग की। अब बकलिंग कैसे होती है ये भी आप आगे देख लोगे, लेकिन ये बात मान के चलिए कि जो ट्रसेज मेंबर्स होते हैं उनमें मेन समस्या रहती है वो बकलिंग की ही रहती है। इसीलिए अपन ये चाहते हैं कि उसमें बेंडिंग इंड्यूस्ड ना हो, ठीक है कि नहीं, सेकेंडरी स्ट्रेसेज इंड्यूस्ड ना हो। चलिए आगे चलते हैं, कैलकुलेशन फॉर एनालिसिस। अब कैलकुलेशन में क्या क्या करना होता है, द एनालिसिस ऑफ ट्रस इज यूजुअली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सिंपलीफाई अजम्पशंस। द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ ईच मेंबर कोइंसाइड विद द लाइन कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ द एडजेसेंट मेंबर एंड द मेंबर कैन कैरी एक्सियल फोर्सेज। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉन्कोरेंट होते हैं, इसीलिए उनको क्या मान के चलते हैं, एक्सियल फोर्सेज मान के चलते हैं। उनमें जो ऐसा क्या आ गया है कि उनकी जो सेंट्रल लाइन होती है वो इनके कोइंसाइड करेगी, और दोनों की सेंट्रल लाइन होती है दो अलग अलग मेंबर्स की, वो एक ही जगह से ओरिजिनेट करेगी। और मेंबर्स आर कनेक्टेड ओनली एट देयर एंड बाय फ्रिक्शन हिंजेस, ये मैंने बता दिया। और लोड्स एंड सपोर्ट एक्शन आर अप्लाइड ऑन द जॉइंट्स। ये दोनों जंक्शन, ये तीनों जंक्शन जो मैंने आपको बता दिए हैं, इसको है ना ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। तो इसमें जो पहला मेथड आता है वो आता है मेथड ऑफ जॉइंट्स। जो पहला मेथड है वो है मेथड ऑफ जॉइंट्स। तो मेथड ऑफ जॉइंट्स को समझिए कि देखिए, इसमें अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं तो कोई सा भी जो मेथड्स होता है उसमें अपन को सबसे पहले तो ये करना होता है कि अननोन मेंबर्स फोर्सेस कौन कौन से हैं, या अननोन फोर्सेस कौन कौन से हैं। तो किसी भी ट्रस के लिए आपने डिटरमिनेशन पढ़ रखी, उसमें तो एक तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब हो गया सपोर्ट रिएक्शंस, कौन कौन सी वहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस अवेलेबल है। उसके बाद में मेंबर फोर्सेज, अब हर मेंबर फोर्स में एक अननोन होगा, वो होगा एक्सियल, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सटर्नल रिएक्शंस निकालते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल रिएक्शंस निकालने के बाद में अब निकालेंगे किससे, इक्विलिब्रियम कंडीशन होते हैं तीन, Fx=0, Fy=0 और Mz=0। इन तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन से अपन क्या करेंगे, मैं एक्सटर्नल रिएक्शंस निकाल लिया, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक जॉइंट को कंसिडर करेंगे। जॉइंट को कंसिडर करने के बाद में ये देखेंगे कि वो जॉइंट सबसे पहले यूज कर जिसमें दो या दो से कम अननोन मेंबर फोर्सेज हो। अब दो ही क्यों, क्योंकि एक जो जॉइंट होता है ट्रस फ्रेम में वहाँ पे केवल दो ही इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, Fx और Fy, ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी। तो वहाँ पे दो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो मैक्सिमम दो अननोन हो सकते हैं। इसी प्रकार आप अलग अलग जॉइंट को चूज करते जाएंगे और अननोन मेंबर फोर्सेज निकालते जाएंगे। रिएक्शंस हमने पहले ही निकाल लिया है, तो इसी प्रकार से अपन उसमें ट्रस को नॉन कर सकते हैं। अब इसमें देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, मेथड ऑफ जॉइंट्स, द एक्सियल फोर्सेज इन द मेंबर्स ऑफ ए स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस आर डिटरमाइंड बाई कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ इट्स जॉइंट्स। मतलब हर जॉइंट पे इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करना है और उसको देखना है। टेंसाइल एक्सियल फोर्सेज इज इंडिकेटेड ऑन द जॉइंट बाई एन एरो पुलिंग अवे फ्रॉम द जॉइंट। मतलब टेंशन को हमेशा क्या करना है, जो जॉइंट होता है उसे अवे दिखाना है, और जो कंप्रेशन होता है उसको जॉइंट टूअर्ड द जॉइंट एरो से दिखाना है, ठीक है।
ये इसका कुछ बेसिक हो गया। अब देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए आप। मेथड ऑफ जॉइंट्स में पहला एग्जांपल है, देखिए आपके पास एक ट्रस दे रखा है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, पहले इसके रिएक्शंस निकाल लिए, जैसे इसमें दिखा दिया 24 24 दिखा रखा है, ठीक है। उसके बाद में अगर जॉइंट इसे लेफ्ट वाले जॉइंट को देखा इसने, तो यहाँ पे 24 नीचे की तरफ लग रहा है, 22 साइड की तरफ लग रहा है, और दो मेंबर फोर्सेस निकाल रहे हैं AD और AB का। तो हमने पहले जॉइंट A ले लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो अननोन है, AD एंड AB, बाकी रिएक्शंस अपन को पता चल गई है, ठीक है। तो उससे ये जॉइंट कंसिडर किया, फिर कंसिडर करेंगे जॉइंट B। अब बोले कि साहब यहाँ पे तीन अननोन है, बेटा तीन अननोन नहीं होंगे, क्योंकि देखो FAB तो अपन ने अब जॉइंट A से कंसिडर करके निकाल लिया, तो FAB पता चल गया। अब बी जॉइंट पे कितने नॉन बचे हैं, BC और BD दो नॉन बचे। फिर जॉइंट इसने ले लिया D, तो D पे भी चार तीन मेंबर नॉन है, पर तीन में से अपन ने दो तो केवल पहले दो जॉइंट से निकाल लिए, AB और BD अपन ने निकाल लिए, तो बचा कौन सा, केवल CD बस। तो ऐसे आपको अलग अलग जॉइंट्स को कंसिडर करते जाना है और वैल्यूज निकालते जाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जो मेथड ऑफ सेक्शंस है और इसके एक दो क्वेश्चंस अपन लोग अगली क्लास में करके देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।